नमस्कार, बोल स्काई में आपका स्वागत है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की एकादशी कहा जाता है और कई जगह इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने की परंपरा है, लेकिन ये पहली एकादशी है जिसमें भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। कहते हैं कि आंवले की एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। इस साल आंवले की एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। अगर कोई इस दिन व्रत रख रहा है तो उसे पूजा करने के बाद कथा जरूर पढ़नी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं आंवले की एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए क्या नहीं। आंवले की एकादशी के दिन क्या करें? 3 मार्च 2023 को आंवले की एकादशी है। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु लक्ष्मी जी को आंवले अर्पित करने चाहिए तथा आंवले का सेवन करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन के पश्चात एकादशी कथा पढ़ने से पाप और रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन रंगभरी ग्यारस भी मनाई जाती है और शिव पार्वती जी का पूजन तथा उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। इस दिन देवी देवताओं को रंग गुलाल और पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही देवी देवताओं के साथ होली खेलकर अच्छे जीवन की कामना तथा प्रार्थना करें। इस दिन श्री विष्णु तथा शिव जी को मिठाई का भोग और मौसमी फल अर्पित करें। द्वादशी तिथि पर पारण से पूर्व ब्राह्मणों को मिठाई दक्षिणा देने के बाद ही खुद पारण करें। एकादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार दान करें तथा आंवले का भी दान करें। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस दिन क्या ना करें। आंवले की या रंग भरी एकादशी के दिन पूर्ण ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, गाजर, सलजम, गोभी, पालक, मांस आदि चीजों का परहेज करें। इस दिन ना ही बाल कटवाएं और ना ही नाखून काटें। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है, इसलिए खुद गिरा हुआ पत्ता ही उपयोग में लाएं। प्रातः काल लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबाकर उंगली से कंठ साफ करें। अगर वृक्ष के पत्ते उपलब्ध ना हो सके तो 12 बार पानी से कुल्ला करें। दशमी तिथि की रात तथा एकादशी के उपवास वाले दिन चावल ग्रहण ना करें। एकादशी के दिन क्रोध का त्याग करके मधुर वचनों को अमल में लाएं। इस दिन कम से कम बोलने का प्रयास करें, अधिक ना बोलें, ताकि इस दिन उपशब्दों के प्रयोग से बचा जा सके। इस दिन मोक्ष की कामना से व्रत रखें तथा किसी का भी बुरा ना करें और ना ही बुरा सोचें। तो आप भी अगर रंग भरी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो ये चीजें ना करें। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही हमारे चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।